दोस्तों, कल के स्टॉक देने से पहले मैं यह बता देता हूँ कि जो हमने आज के लिए जो स्टॉक दिए थे उनका क्या हुआ है और वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं। और आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं बीच में बहुत सी ऐसी बातें बताऊँगा जो आपके लिए काम की रहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, आज के लिए मैंने तीन स्टॉक दिए थे। एक था HCL टेक, दूसरा था अरविंदो फार्मा और तीसरा था ब्रिटानिया। जो कि ब्रिटानिया मंगलवार का स्टॉक है, अभी तक उसने किसी ब्रेकआउट ना तो ना ब्रेकआउट दिया है ना ब्रेकडाउन दिया है। और हम बात कर लेते हैं अरविंदो फार्मा की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने एक बहुत ही गजब का ब्रेकआउट दिया जो कि 7% के लगभग का है। और इसने लगभग हाई बनाया था 712 रुपये के समथिंग, ज़्यादा नहीं, तो इसमें आप 10 से 15 पॉइंट कैप्चर किए ही होंगे। HCL टेक ने कोई खास मूवमेंट नहीं बताया, ब्रेकआउट दिया लेकिन इसमें वॉल्यूम इतना हाई नहीं था। जब ये ओपन हुआ दोस्तों, तब लगभग 1 या 2 मिनट में ही इसमें लगभग 78 से 79 हज़ार क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई थी, जिसके कारण ये स्वाइप आया था। और जो हमारी एवरेज क्वांटिटी थी उसको ये बीट नहीं कर पाया, इसीलिए इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। लेकिन इसने ब्रेकआउट ज़रूर दिया है। ये लगभग 22 रुपये समथिंग आपको बताया था और ये 26 26.5 के समथिंग, ऐसे तो 28 तक गया है, पर आपने इसमें भी 3-1 रुपये तो कम से कम पॉइंट कैप्चर किए ही होंगे। और रहा ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया दोस्तों अपने लिए जब तक रहेगा अपनी वॉच लिस्ट में, जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे, ये अभी भी एक नैरो रेंज में चल रहा है। आज नहीं तो कल इसको ब्रेकआउट तो देना ही है। जितने रोज़ ये नैरो रेंज में रहेगा उतनी बड़ी मूवमेंट देगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। आप जो भी स्टॉक जितने रोज तक नैरो रेंज में ट्रेड करेगा वो उतनी बड़ी मूव देता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है उस समय ट्रेड करने का और मुनाफा कमाने का अच्छा खासा। और दोस्तों, आप तो ये जानते ही हो कि मैं वही स्टॉक देता हूँ जिसमें आपको स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, या फिर आप वही स्टॉप लॉस रखना जिस पे आप बाय करो। और मैंने आज स्टॉप लॉस के लिए स्पेशल एक वीडियो डाला है, वो आप ज़रूर देखना। उससे क्या है, आपको ट्रेडिंग जब लोगे तो उसमें जब आप ट्रेडिंग लोगे तो उस जो मैंने उस वीडियो में बताया उन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखना, तो उससे आपको क्या ट्रेड लेने में आसानी होगी। और गैप डाउन वाला मैंने वीडियो भी डाला है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। उसमें क्या है कि आपको मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है नैरो रेंज के बाहर, तो उसमें कैसे ट्रेड लेना है ये आपको उसमें समझ में आ जाएगा उस वीडियो से। ऐसे वो क्लियर नहीं है, एक बार और मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा अच्छा सा बना के उसको, पर आप उसको देख लेना। अभी अभी के लिए उसको देख लीजिए, ताकि क्या है कि आप क्लियर हो जाएगा आपको कि कब ट्रेड लेना, कब नहीं लेना, कैसे क्या लेना। मैंने जितने भी अभी तक स्टॉक दी, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस तो छोड़ो, जो मेन प्राइस थी जहाँ से बाइंग की वो भी टच हुई हो, तो आपको हमेशा ऐसे स्टॉक मिलेंगे। बस आप जुड़े रहें, आपको मैं कंटिन्यू स्टॉक बता रहा हूँ डेली, 3-4 स्टॉक जिसमें से अच्छे खासी मूव आती है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी वैसी के जिसमें आप उलझ जाएँ या आपका नुकसान हो, क्योंकि मैं वही स्टॉक बताता हूँ जिसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। और दोस्तों, मेरी बोली ऐसी ही रहेगी, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे किसी की बोली या फिर दिखावे पे मत जाइए, उसके नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं लाइव आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। अब हम आ जाते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक है। एक तो ब्रिटानिया रहेगा, इसको बिल्कुल आप अच्छे से क्लोजली वॉच करना, बहुत अच्छा मूव देगा ये, प्लस आपको प्रॉफिट भी बहुत होगा, इसलिए इसकी हमेशा ध्यान रखना। ये अच्छा चल रहा है तो इसलिए इसको बिल्कुल आप अच्छे क्लोजली वॉच करिए। दोस्तों, पहला है इन्फी, ये एक नैरो रेंज में अच्छे खासा ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 678.29। इससे ऊपर जैसे ही जाए, प्लस वॉल्यूम का ज़रूर एवरेज के समथिंग क्वांटिटी हो, सुबह सुबह आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि बीट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको मैंने बताया हुआ है कल के वीडियो में, तो और आप देख लेना कि बीट करेगी या नहीं करेगी, वो उसका पता कैसे चलता है ना। तो ये 678.29 से जैसे ही ऊपर जाए आप बाई करना, 645 से नीचे आए जैसे ही, और प्लस वॉल्यूम का ज़रूर ध्यान रखना। मैं हर बार बोलता हूँ कि वॉल्यूम का ज़रूर ध्यान रखना, जैसे ही वॉल्यूम का अंदाज़ा आपको लग ही जाएगा पहले ही कि वॉल्यूम बीट होगा नहीं होगा, क्योंकि कितनी कितने क्योंकि इसमें क्या है, समय का खेल है,
जितनी जल्दी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो गई, समझ लीजिए कि बीट होने की संभावना इतनी ज़्यादा है। मान लीजिए ये ब्रेक डाउन देगा, क्वांटिटी अपने आप लोगों को लग रही है कि यार ये बीट कर देगी, तो बिल्कुल ट्रेड लीजिए, सक्सेस ट्रेड है। क्वांटिटी ज़रूर चेक करना, बिना क्वांटिटी के आप ट्रेड एक भी मत लेना। और दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि आपने दो ट्रेंड लाइन खींच लिए, नैरो रेंज स्टॉक देख लिया और आप ट्रेड लेने लग जाएं, क्योंकि इतना आसान भी होता। मान लीजिए कि दो लाइन के ऊपर या नैरो रेंज चार कैंडल बन गए और मान लीजिए कि स्क्वीज़ बन रहा है और आप ट्रेड ले लोगे, उलझ जाओगे अगर फेक ब्रेकआउट या ऐसा हुआ। बहुत से डेटा पॉइंट होते हैं जो अब आगे अपन जब मैं वीडियो डालता रहूँगा वॉच करती रहे, उसमें टोटल मैं बताऊँगा कि ये फाइंड आउट कैसे होते हैं। एक बात ज़रूर याद रखना कि ट्रेंड लाइन और इनके बेस पे मान लीजिए कि अगर पैसा स्टॉक मार्केट से बनाया जाता है, इंडिकेटर है इनके बलबूते पे, तो फिर सभी यही काम करते हैं, दूसरा कोई दूसरा मतलब बिजनेस ही नहीं करता, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं होता। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आप क्या है, चार्ट देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अंदाज़ा क्या क्लियर पता रहेगा। इसमें जो अंदाज़ा लगाता है वो तो एक तरीके से गेमलिंग करता है, ये मान लीजिए। इसमें तो जो 101% श्योर रहता है वही ट्रेड सही है, बाकी ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए। तो इन्फोसिस हो गया। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। 488 से ऊपर जैसे ही जाए, 488.96 से आप बाई कीजिए, 463 से नीचे आए सेल कीजिए, प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम का एवरेज कैसे निकालना है मैंने बताया हुआ है। NSE की साइट पे जाना, भाव कॉपी मिल जाएगी, उसमें ट्रेडेड क्वांटिटी रहती है, जितने रोज नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा उन वो क्वांटिटी लेना, उसका एवरेज निकालना। मान लीजिए कल ट्रेड करना है आपको, तो फिर कल क्या है कि वो एवरेज जब तक बीट नहीं करे, जैसे बीट तो क्या है कि सुबह सुबह कोई जितनी क्वांटिटी है वो कोई डाल नहीं देगा और इतने में ट्रेड नहीं हो जाएगा, पर आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी जल्दी कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। मान लीजिए 30%, 40%, 20-25-30 मिनट में ही हो गई। जैसे कि आज का अरबिंदो का ये 12 बजे के समथिंग, इसमें 11:30 बजे के समथिंग लगभग 25 से 26 लाख क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी, तो क्लियर था कि 3.5 घंटे हैं तो भाई ये बीट तो कर देगा, आसानी से करेगा जो एवरेज था उसका। तो उसमें उस समय उसका रेट भी लगभग क्या चल रहा था, 1 सेकेंड मैं बता देता हूँ, हाँ 677 के समथिंग चल रहा था उस समय ये। तो अंदाज़ा हो गया कि यार अब इसमें आप एम आई एस क्वान्टिटी में भी भरपूर क्वांटिटी भी बाई करोगे ना, कभी लॉस नहीं होगा। और लॉस हमेशा वही रखना, स्टॉप लॉस हमेशा वही जो बाइंग पॉइंट है, ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ पे आपने डाल दी, स्टॉप लॉस का महत्व वही है। एक बार वो स्टॉप लॉस वाला वीडियो देखना तो आपको वो स्टॉप लॉस क्या चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा HDFC हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये भी दो रोज से नैरो रेंज में चल रहे हैं। मैं क्वांटिटी कहाँ पे बाय करना है ये देख लीजिए, ये 374 के ऊपर जाए तब आप बाई करना, 355 के नीचे जाए सेल करना, प्लस एवरेज वॉल्यूम का ये ज़रूर याद रखना, तब आप ट्रेड लेना। और एक बात और फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी आपको जैसे दिख गया, मान लीजिए कि यहाँ पे ये बन रहा है कि नैरो रेंज का है, तो चाहे जैसे स्टॉक फाइंड आउट करके ऐसे ही खुद के मन से कभी मत ट्रेड लीजिए, जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बने। जिस रोज़ हो जाएंगे उस रोज़ तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और अभी तो ये बेसिक ही है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ अपन बेसिक पे ही चल रहे हैं। तो ये आज कल के लिए तीन, टोटल 4 स्टॉक हो जाएंगे, क्योंकि एक ब्रिटानिया है, ICICI लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, इन्फोसिस है। इनकी एवरेज क्वांटिटी मैंने बताई हुई है आपको, वैसे चेक करना है। प्लस एक बार मैं बता देता हूँ, ये आप देखिए, ये एवरेज क्वांटिटी है, ये इन्फोसिस है, ये इन्फी की है, ये ICICI प्रो की है, और तीसरा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस की। ये दोनों दो रोज़ के एवरेज, जैसे ब्रिटानिया का मैं बता देता हूँ, आज की मैं ये क्वांटिटी डाल दूंगा फिर एवरेज निकाल लूँगा इसका, जितने रोज़ ये चाहे 50 रोज़ ऐसे चलेगा, मैं 50 रोज़ के जिस रोज़ भी ये ब्रेकआउट देगा
भरपूर पैसा मिलेगा। बस एवरेज बीट करना चाहिए, इसका अंदाज़ा आपको पहले ही लग जाता है जब सुबह मार्केट 10, 10:30, 11 बजे समथिंग में पूरा क्लियर हो जाता है कि ये अब किधर जाएगा। स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना कि मेरे में जो भी स्टॉप लॉस मतलब स्टॉक बताता हूँ उसमें कभी स्टॉप लॉस देता ही नहीं हूँ, इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे स्टॉक बिल्कुल क्लियर होते हैं, सही होते हैं। और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाना दोस्त कि मैं इकलौता ऐसा हूँ कि जो क्लियरली स्टॉक दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ, सारे स्टॉक सही जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि चाहे जैसा उठ के ना आपको दे दिए या चाहे जैसे स्टॉक दे दिए, है ना, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आपकी है डेली मतलब मंथली इनकम तो मैं चालू करूँगा, उसी के बाद ही सीखूँगा आपको, क्योंकि आप रुचि तब लोगे जब इसमें आपका पैसा बनेगा। बिना पैसे बने आपको चाहे कितना भी बता दूँ, कुछ भी कर लो, असंभव है कि कोई इंसान सीख जाए, क्योंकि रुचि इंसान तभी लेता है जब उस चीज़ में उसको पैसे मिलते हैं। अब पैसे मैं जेब से तो दे नहीं सकता, इससे अच्छा मैं जिसमें ट्रेड ले रहा हूँ वो स्टॉक आपको बता रहा हूँ। और एक बात ज़रूर याद रखना, इंडिकेटर है, ट्रेंड लाइन है, जो भी यही है, ऐसा नहीं काम नहीं करते, इनका अपना नियम है, वो मैं आने वाले सब मैं बिल्कुल डालता रहूँगा। जैसे मैंने आज स्टॉप लॉस का वीडियो डाल दिया, एक एक ऐसे डालता रहूँगा कि जिसका महत्व बहुत आप समझो उनका महत्व क्या है, और इनके ट्रेंड लाइन है, मूविंग एवरेज है, इंडिकेटर्स वगैरह है, इनके बलबूते पर अगर ट्रेड होते तो फिर सारी दुनिया यही काम करते, दूसरा काम ही क्यों करते। तो इतना वो नहीं है कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जो आपको दिया है, समझ लीजिए को इसीलिए दिया है कि आपको नुकसान हो, जितने ये आपको मिले जो भी है। और मैं यहाँ पे सारा टोटल फ्री में बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही विनती आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।